दोस्तों यूं तो जब भी टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कहे जाने वाली शो मेकर का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम एकता कपूर का आता है, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट सीरियल्स दिए हैं। लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक और खूबसूरत और लाजवाब प्रोड्यूसर नजर आ रही है, जिनका नाम है गुल खान। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि एकता कपूर को बराबर की टक्कर देने वाली गुल खान अगर टीवी इंडस्ट्री की फेमस प्रोड्यूसर बनी है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ टीवी के 5 सीरियल्स की बदौलत, जिन्हें बनाकर उन्होंने अपना नाम टीवी की फेमस प्रोड्यूसर्स में अपना दर्ज करवा लिया है। तो आखिरकार कौन से हैं वो 5 बड़े शोज जिन्होंने इन्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करवाया है? अगर आप भी जानने के लिए बेकरार हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही साथ अपनी फेवरेट प्रोड्यूसर के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, इश्कबाज। जी हाँ, गुल खान की किस्मत को चमकाने में जिस सीरियल का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो कोई और नहीं बल्कि स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ शो इश्कबाज है, जो कि लव बेस्ड सीरियल था, जिसमें हमें शिवाय और अनिका की क्यूट सी और लाजवाब सी केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जिसने हर एक शख्स का दिल जीता था। तभी तो ये शो 3 सालों तक टीवी पर बना रहा था, जिसके चलते गुल खान भी अपने इस शो के जरिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। नंबर 2, कबूल है। साल 2012 में जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ शो कबूल है तो आप सभी ने जरूर देखा ही होगा, जिसमें सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर, असद और जोया बनकर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हुए नजर आए थे, जहां इनके बीच की लव केमिस्ट्री और बॉन्ड दर्शकों को लुभाने में इतने ज्यादा कामयाब रहा था कि इस सीरियल ने हर एक सीरियल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नाम TRP की लिस्ट में नंबर 1 पर दर्ज करवा लिया था। अब जाहिर सी बात है ना कि जब ये टीवी पर TRP के मामले में नंबर 1 पर चल रहा था तो प्रोड्यूसर गुल खान का पॉपुलर होना तो जायज था। नंबर 3, नजर। जी हाँ, जहाँ इश्कबाज और कबूल है सीरियल गुल खान को पॉपुलैरिटी दिलाने में कामयाब रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नजर सीरियल भी कुछ कम नहीं था, जिसकी कहानी इस बार गुल खान ने पारिवारिक एंड रोमांस ड्रामा से हटकर बनाई थी, जिसमें हमें मायावी शक्तियाँ देखने को मिली थी, जहाँ शो में अभिनेत्री मोनाली साहब प्रेत आत्मा का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेता हर्ष राजपूत और नियति फतनानी की हमें जबरदस्त लव केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसने हर एक शख्स का दिल जीत लिया था। तभी तो ये सीरियल इतना ज्यादा हिट और पॉपुलर रहा कि दर्शक इसके सेकंड पार्ट की डिमांड करने लगे हैं। दर्शकों की इसी डिमांड से जाहिर हो रहा है कि गुल खान को इस शो के जरिए एक अलग ही पहचान हासिल हुई है। नंबर 4, अधूरी कहानी हमारी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में गुल खान को पॉपुलैरिटी दिलाने और टीवी का पॉपुलर शो अधूरी कहानी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुल खान ने इसकी कहानी रोमांटिक बेस्ड बनाई थी। तभी तो इस सीरियल की कहानी को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। जहाँ सीरियल की कहानी लाजवाब रही थी तो इसके स्टारकास्ट काबिल तारीफ थी, जिन्होंने सीरियल में 4 चांद लगाए थे, जिसमें महिमा मकवाना और लक्ष्य लालवानी की जोड़ी और क्यूट सी केमिस्ट्री ने दर्शकों को आज भी याद करने पर मजबूर किया हुआ है। वेल, तो दोस्तों गुल खान का इन शोज में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा शो पसंद आया था, आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों के बारे में जानने और उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।